नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आज का संपूर्ण पंचांग। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे पंचांग क्या होता है। पंचांग सूर्योदय व सूर्यास्त, चंद्रोदय व चंद्रास्त पर आधारित होता है। पंचांग एक संस्कृत का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है पांच अंगों से युक्त। पंचांग भी पांच अंगों से मिलकर बना है। यह पांच अंग हैं तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले पंचांग अवश्य देखें। पंचांग जानने से पहले उन लोगों को शुभकामनाएं देते हैं जिनका आज जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब उन लोगों को शुभकामनाएं देते हैं जिनकी आज शादी की सालगिरह है। भगवान शिव और माता पार्वती की तरह आपकी जोड़ी बनी रहे। आइए आरंभ करते हैं आज का पंचांग। आज दिनांक है 17 मार्च 2023, वार शुक्रवार, शक संवत 1944, विक्रम संवत 2079, कलियुग का वर्ष 5123, पूर्णिमा चैत्र, अमांत फाल्गुन, दृक ऋतु है वसंत और दृगयन है उत्तरायण। आज ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:53 से 5:41 तक। प्रातः संध्या का समय रहेगा सुबह 5:17 से 6:29 तक। विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 2:30 से 3:18 तक। कोधुली मुहूर्त का समय रहेगा शाम 6:28 से 6:52 तक। साय संध्या का समय रहेगा शाम 6:30 से 7:42 तक। निशिता मुहूर्त का समय रहेगा रात 12:05 से 12:53 तक। और शुभ योग सर्वार्थ सिद्धि योग का समय रहेगा रात 2:46 से 18 मार्च की सुबह 6:28 तक। आज सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:37 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:32। आज चंद्रोदय का समय रहेगा रात 3:10 और चंद्रास्त का समय रहेगा दोपहर 1:57। आज सूर्य रहेंगे मीन राशि में और आज की चंद्र राशि है धनु। आज सुबह 10:18 तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, उसके उपरांत मकर राशि में चले जाएंगे। आज की तिथि है कृष्ण पक्ष दशमी, जो दोपहर 2:07 तक रहेगी, उसके उपरांत कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज का नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, जो रात 2:46 तक रहेगा, उसके उपरांत श्रवण नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। आज का करण है वृष्टि, जो दोपहर 2:07 तक रहेगा, उसके उपरांत भव करण आरंभ हो जाएगा। भव करण दोपहर 2:07 से आरंभ होकर रात 12:43 तक रहेगा, उसके उपरांत बालव करण आरंभ हो जाएगा। आज का योग है वरियान, जो सुबह 6:59 तक रहेगा, उसके उपरांत परिक योग आरंभ हो जाएगा। परिक योग सुबह 6:59 से आरंभ होकर रात 3:33 तक रहेगा, उसके उपरांत शिव योग आरंभ हो जाएगा। आज का पक्ष कृष्ण पक्ष और दिशा शूल है पश्चिम, इसलिए पश्चिम की यात्रा पर जाने से पहले घर से जौं खाकर जाएं। आज राहु का वास रहेगा दक्षिण पूर्व दिशा में। आज दोपहर 2:06 तक अग्नि का वास पृथ्वी पर होगा, उसके उपरांत आकाश में हो जाएगा और आज नक्षत्र शूल नहीं है। आज का शुभ समय कुछ इस प्रकार रहेगा। आज अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:11 से 12:59 तक। अमृत काल का समय रहेगा रात 8:54 से 10:22 तक। और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:53 से 5:41 तक। आज का अशुभ समय कुछ इस प्रकार रहेगा। आज राहु काल का समय रहेगा सुबह 11:06 से 12:35 तक। यमगण का समय रहेगा दोपहर 3:34 से 5:03 तक। गोलिक काल का समय रहेगा सुबह 8:07 से 9:36 तक। और दुर्मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 9:00 से 9:48 तक। आज के व्रत व त्योहार में हिंदू पंचांग के अनुसार आज कोई भी प्रमुख व्रत या त्योहार नहीं है। ये थी जानकारी आज के पंचांग की। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।